Hi friends, welcome to the desk, Deva English Football Club. Friends, in the last class, I talked to you about the how to change the number. Okay friends, today I am going to teach you how to change the tenses. अगर tense दिया हो, rewrite as directed में, tense दिया हो, तो tense को हम किस तरीके से बदलते हैं? यहाँ पर जैसे begin like this, यहाँ पर देखने के बाद ही हम change करेंगे कि इसको किस tense में और कैसे change किया गया है. ठीक है friends? आज हम वही सीखेंगे. लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप अभी एक क्वेश्चन देखेंगे जो 10वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चंस है. उसी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे चेंज करेंगे. ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, यह है क्वेश्चन. इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऊपर की We are now preparing for the exam. Okay, friends? और नीचे आप नीचे देखिए, begin like this के पास जो लिखा हुआ है वहां पर यह लिखा है कि we were preparing. Okay, friends? तो we were preparing दिया हुआ है. अभी हम इसको ये पढ़कर, जो begin like this, we were preparing लिखा है, उसको पढ़कर हमें समझ में आ जाता है कि यहां पर we are now preparing है, तो we were preparing means इसको प्रेजेंट में है तो इसको पास्ट में चेंज करना है. ओके फ्रेंड्स, तो कभी भी सेंटेंसेस को पास्ट में जब आप चेंज कर रहे हो तो किसको क्या करना होता है, आप यहां पर देखिए, मैंने लिख रखा हुआ है प्रेजेंट और पास्ट. अगर इजार्म है वो सेंटेंस में इजार्म है तो वर्ड में चेंज करेंगे उसको. अगर आर दिया है तो वर्ड में चेंज करेंगे. अगर हैज और हैव दिया है तो हैड में चेंज करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, कैन और मे दिया है तो कुड और माइट लिखेंगे. शैल विल है तो वुड. और नो हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब का पहला फॉर्म है तो उसको हम वर्ब का दूसरा फॉर्म लिखेंगे वहां पर. ठीक है फ्रेंड्स, अभी सेंटेंस बनाते हुए हम समझेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. जैसे सेंटेंस है, वी आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, हम लोग अभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं. ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसको अभी बना के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से चेंज करते हैं. यहां पर लिखा है वी आर नाउ प्रिपेयरिंग, बिगिन लाइक दिस के पास है वी वर प्रिपेयरिंग. सो इसे समझ में आ जाता है कि इसको पास्ट में चेंज करना है. तो वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन या एग्जाम. नाउ है तो नाउ का देन हो जाएगा. पास्ट में अगर हम नाउ का लिखेंगे तो देन हो जाएगा, देन. ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है वी पे फुल अटेंशन टू आवर स्टडीज, हम लोग अपना पूरा ध्यान स्टडी की तरफ लगाते हैं. तो वी पे है, यहां पर फर्स्ट फॉर्म है वी पे. पे इज द फर्स्ट फॉर्म. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे. ओके फ्रेंड्स, तो वी पे का सेकेंड फॉर्म पेड हो जाता है. मैंने इधर लिखा था चार्ट पर कि पे मीन फर्स्ट फॉर्म जो होगा वी वन होगा तो वी टू में चेंज कर देंगे. ओके फ्रेंड्स, तो वी टू हो जाएगा पेड फुल अटेंशन. बाकी सब कुछ वही लिख देना है, फुल अटेंशन टू आवर स्टडीज. ओके फ्रेंड्स, आपको इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का ध्यान रखना पड़ता है, उसी को पास्ट में चेंज करना पड़ता है, बाकी सारे के सारे चीज ऐसे ही लिख देना पड़ता है एज इट. ओके फ्रेंड्स, वी वॉन्ट टू मेक, यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म है, मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसको हम सेकेंड फॉर्म में लेकर जाएंगे. वी वॉन्टेड लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म वॉन्ट का वॉन्टेड होता है. वी वॉन्टेड टू मेक आवर फ्यूचर ब्राइट, हम लोग अपने फ्यूचर को यानी अपने भविष्य को मीन्स अच्छा बनाना चाहते हैं. ब्राइट मतलब उज्जवल भविष्य बोलते हैं ना, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं. ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है वी आर इंटेंशन. तो सिंपल है, वी आर है तो आर का हो जाएगा वर, वी वर इंटेंशन. ओके फ्रेंड्स, इस तरह से पास्ट को हम प्रेजेंट को पास्ट में बदलेंगे. अगर पास्ट दिया है यहां पर तो उसको हम प्रेजेंट में बदल देंगे, मीन्स उल्टा हो जाएगा. जैसे वहां पर वर दिया है तो उधर हम आर लिख देंगे. ठीक है फ्रेंड, सिंपल है. जैसे
माई फादर हैड अ डॉग, मेरे पिताजी के पास एक कुत्ता था। तो इसका अगर हम प्रेजेंट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट यहाँ पर हैड है, पास्ट है ऑलरेडी, तो अगर इसको हम प्रेजेंट में चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, अगर इसको प्रेजेंट में चेंज करने के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा माई फादर हैज अ डॉग। ओके फ्रेंड, ये दसवीं क्लास के एग्जाम्स में रीराइट एज डायरेक्टेड वाला जो क्वेश्चन रहता है, जो कॉलम रहता है, उसमें इस तरह के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से एक बार समझ लो, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है समझना। अगर प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस दिया है, उसको पास्ट में चेंज करने के लिए यहाँ पर बता रहा है, जिसे इंस्ट्रक्शन दिया है यहाँ पर, तो इंस्ट्रक्शन देकर पढ़कर आपको समझ जाना है कि यहाँ पर किस में चेंज करना है। पास्ट में चेंज करना है तो पास्ट में क्या क्या चेंज करना है, मैंने आपको एक चार्ट लिखकर दिखा दिया था, उसमें दिस इज आरएन का वर्ड वर्ड हो जाएगा, हैज हैड का हैड हो जाएगा, शैल विल का वुड हो जाएगा, उस तरह से हम उसका टेंस चेंज कर देंगे। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्रेजेंट एंड प्री टेंस का सेंटेंस है, तो फर्स्ट फॉर्म होगा तो वी टू यानी कि वर्ब का दूसरा फॉर्म लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आता है और मेरे क्लास ऐसे कुछ सीखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।